एवरीवन, ये देखिए आज की हमारी रेसिपी मैंगो की चटनी, जो कि 6 से 7 महीने तक आराम से रख के आप यूज कर सकते हैं। एक बार बना लीजिए और 6 महीने की फुर्सत। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी चटनी है। तो चलिए देखते हैं ये चटनी हमने कैसे बनाई है। तो देखते हैं अपनी मैंगो की चटनी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। देखिए ये हमारी कच्ची कैरियां हैं जो लगभग होंगी 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम कच्ची कैरियां हैं। तो इनको अब हम बनाएंगे एक ऐसी चटनी यम्मी सी, जो कि आप दही भल्ला या दही बड़ा और समोसे, बर्गर, किसी भी चटनी के साथ आप खाएंगे तो बहुत, पकौड़ियों के साथ, तो ये काफी अच्छी लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है हमें ये चटनी। तो इन्हें देखिए साफ से कैरियों को धो लिया, वॉश करके सुखा, मतलब वॉश करके और छील लिया, इसमें कट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या करना है। ये देखिए गाइस, इस बर्तन में हमने कैरियां डाल दी हैं और इसमें अब हम 2 ग्लास तक पानी ऐड करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए उबाल लें, बॉयल कर लेंगे, यानी उबाल देंगे। ठीक है, तो उसको ढकते हैं और उबालते हैं। ये देखिए बीच बीच में ऐसे देख लेंगे चला के। ठीक है, अभी हमारा नहीं बॉयल हुआ है, थोड़ा सा और पकाना है इसको अच्छे से, तो पका लेते हैं। चलिए जब तक ये पकता है तब तक हम अपने मसाले कुछ देख लेते हैं। ये देखें ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 स्पून चीनी, ये हमारा 5 से 6 चुटकी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, ये गरम मसाला बस ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, गुड़ 100 ग्राम, ये है हमारा किशमिश लगभग 15 होंगी, ये छुहारे 5 से 6 जिनको हमने गर्म पानी में डाल दिया है भीग जाए जिसे, ये नमक, ब्लैक नमक और वाइट नमक दोनों ले लिए हैं, ये आधा आधा स्पून है जिसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए बाकी देखते हैं। ये देखिए गाइस, जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक ये हम इनको कट कर लेते हैं। देखिए गाइस, सॉरी हम भूल गए थे आपको ये बताना कि अगर आपके पास पिसी हुई अदरक ना हो तो आप ऐसे ही अदरक को बारीक काट के इसी में डाल दें तो ये भी बॉयल हो जाएगी, और अगर आपके पास पाउडर हो या सौंठ हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पकने देते हैं 2 मिनट और। ये देखिए गाइस, इसमें हम एक पीस, देखिए कलर से ही लग रहा है कि पक गई है, और ऊपर से ऐसे फोल्ड कर भी देख लेंगे तो ये हमारा पक गया है। तो इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इस पानी को भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये देखिए गाइस, इसमें हमने निकाल लिया, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको भी इस्तेमाल में लाएंगे। एक बात और गाइस, ये सिर्फ 6 महीने तक आप इसको खूब इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 महीने तक खा सकते हैं। एक बात और गाइस, हमने आमों के लिए, आमों की जो रेसिपीज हैं हमने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है आम के नाम से, तो आप वो हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वो हम प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और इंड स्क्रीन में भी दे देंगे। उसमें एक जो अचार है उसको आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, देखिए ग्राइंडर में डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं जाके, और फिर आके आपसे मिलते हैं। और जो ये पानी है जो अपनी पैन का, वो हम इस बाउल में करके रख लेंगे, तो इसको भी नहीं फेंकेंगे, ये भी इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए ग्राइंड करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और अब इसमें हम डाल के इसको छान लेंगे जिससे कि जो लंग्स हैं वो निकल जाएं। ठीक है, इसको इस तरह से करके छान देंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसको छान लिया है, अब इसको हम फ्लेम ऑन करेंगे। ठीक है, और इसको हम पका लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए गाइस, हमारा ये पकने लगा है। तो अब इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए चीनी जो कि 4 स्पून थी, और भी मसाले थोड़े से, ये सारे मसाले हमने आपको दिखाए थे वही मसाले ऐड करेंगे, और नमक, और छुहारे, किशमिश, ये गुड़ है जिसको हम ऐड कर लेंगे, इसको भी हम पकाएंगे। बस
आप इस सब चीज को पकाएंगे गाढ़ा होने तक। गुड़ है आपका ज्यादा बड़ा गुड़ है तो आप मेल्ट करके भी डाल सकते हो, बट हमारे में देखिए गुड़ छोटा छोटा सा था तो हमने ऐसे ही डाल दिया, तो ये ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा धीमी फ्लेम पर। ये देखिए हल्दी रह गई थी डालनी, वो भी डाल दी, हाफ टेबल स्पून है हल्दी। अगर आप ना भी डालें तो कोई बात नहीं, बट हम डाल रहे हैं क्योंकि कलर हल्दी से अच्छा आ जाता है हमारी चटनी में, इस वजह से। ठीक है, हाफ टेबल स्पून थी हल्दी। आप ये चटनी खाली गुड़ से भी बना सकती हैं और खाली चीनी से भी बना सकती हैं, मगर गुड़ और चीनी दोनों डालने से उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत यूनिक, बहुत अच्छा आता है। ये देखिएगा इस तरह से हमें पकाते हुए इसको पका लेना है, थोड़ा सा गुड़ भी पिघल जाएगा और ये गाढ़ा भी हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा और गाढ़ा करना है क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ हमें बढ़ानी है। तो जितना बढ़िया पका होगा और गाढ़ा होगा उतना ही अच्छे से सेल्फ लाइफ होगी इसकी। ठीक है, इस टाइम पर हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि ये हो चुका है थिक, नीचे तली में लग ना जाए, इसलिए थोड़ा सा और थिक कर लेंगे दो मिनट के लिए। ये देखिए हमारी बन चुकी है, तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और अब इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। देखिए अभी इतना थिक है, ठीक है, ये अभी ठंडा होने पे और ज्यादा थिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सैंडविच के साथ, पराठा साथ, पूड़ी साथ, चपातियों के साथ और किसी अन्य चीज सबके साथ इसको खा सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देख हमारी मैंगो की चटनी तैयार है बनके, जो कि इसे आप रख के 6 महीने तक आराम से खर्च कर सकते हैं, खा सकते हैं फ्रिज में रख के। और अगर आपको इसको लंबी टाइम तक चलाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, जो कि हम इंडिया स्क्रीन में दे देंगे उसका लिंक, तो वो हमारी हमेशा के लिए बहुत 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 यूनिक चटनी होती है, जो कि साल दो साल आप जितने साल रखना चाहें आराम से रखें, बस इसमें गीली स्पून ना डालें, आराम से अच्छे से पकाएं। तो ये रही आज की हमारी चटनी, तो आप लोगों को बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।